ನಾಗನಾಥಯ್ಯ ರೇ ಭಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕಾಲಿಯ ನಾಗನಾಥಯ್ಯ ರೇ ಭಜೋ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ನಯ್ಯ ರೇ ಭಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ಶ್ರುತಾ ಕೋ ಜಬ ದುಷ್ಟ ನೆ ಘೇರಿ ದ್ರುಪದ ಶ್ರುತಾ ಕೋ ರಾಖಿ ಲಾಜ ನಾ ಕಿನಿ ದೇರಿ ರಾಖಿ ಆಗ ಚೀರ ಬರೈಯಾ ರೇ ಭಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಆಗ ಚೀರ ಬರೈಯಾ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ನಯ್ಯ ರೇ ಭಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಮುರಳಿ ಬಜಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ನಯ್ಯ ರೇ ಭಜೋ ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಪಾರ ಕರೆಂಗೆ ಛೋಟಿ ಸೀ ಕಿಶೋರಿ ಮೇರೆ ಅಂಗನಾ ಮೇ ಡೋಲೆ ಶೋರೀ ಮೇರೆ ಛೋಟಿ ಸೀ ಕಿಶೋರೀ ಮೇರೆ ಅಂಗನಾ ಬತಾವೆ ಬೋಲೋ ಅಥಕ್ಕೆ ಬತಾವೆ
Thank you.
नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरे राधे जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले ओ मेरे राधे जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले मेरे राधे Hare 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 Hare
Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, Hare 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 Ram Hare
बिहारी राधे जय राधा विनोद बिहारी राधा विनोद बिहारी राधे जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रम ओ मेरो
गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय ओं विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वर्ज्योदर सद शिशु मधुभक्ति वेदांत सुलभामन गोस्वामी महाराज की जय ओं विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वर्ज्योदर सद शिशु मधुभक्ति वेदांत सुल नारायण गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रश्न विष्णुपाद मधुभक्ति वेदांत सुल स्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रश्न विष्णुपाद शिशल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला प्रश्न विष्णुपाद शिशल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय रूपानुगाचार्य गुरुवर्ग की जय गंगा जमुना तुलसी भक्त वृंदा देवी की जय ब्रजमंडल छत्रमंडल गौड़मंडल की जय भक्ति विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की जय भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय सर्वाभिष्ट प्रदाता श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय ग्रंथिर वक्ता श्रोता वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्मि।
तवै वाश्मि तवै वाश्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि यहाँ बैठ करके हम लोग चार पांच दिनों से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमने पहले बतलाया था सात दिन की कथा बहुत संक्षिप्त होती है, उसमें श्रोताओं का दिल अघा नहीं पाता, तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की व्यातें होती हैं, इसलिए वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, वो तो उच्च अधिकारियों के लिए है और एक महीने का वाला उससे अच्छा। उसमें कुछ विस्तृत रूप में कृष्ण तत्व, भगवत तत्व की, जीव तत्व की और जो भागवत का विषय है उसमें कुछ अनुशीलन, श्रवण और कीर्तन किया जा सकता है और उससे जो एक एक श्लोक का क्या गुड़ रहस्य है, क्या भाव है, उसके अंदर में क्या शब्द व्यंजना छिपी हुई है, उसका रहस्य क्या है, वो सब के साथ में उसको समझाया जा सकता है, वो सर्वोत्तम कहा जाता है। और जो लोग उत्तम महाभागवत सब समय, जैसे शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, काकभूषुंडी जी हैं, इधर में सुखदेव जी हैं और लोग सब भक्ता लोग हैं, नारद जी हैं, जो निरंतर भागवत इत्यादि की, भगवत तत्व की कथाओं को दिन रात हृदय में चिंतन करते हुए विभोर रहते हैं, हजारों वर्षों की समाधि लगी रहती है, वो समाप्त नहीं होती। भगवान की कथाएं नित्य नवीन है। हम तो एक जा रहे हैं और कोई एक सुंदर लड़की है, उसका मुख देखा, फिर मुख फिरा लिया, चले आगे और देखते हैं नई नई, तो वो तृप्ति होती चली जाती है क्योंकि, किंतु भगवान की कथाएं ऐसी रसीली और नवनमायमान युक्त हैं कि साधक पदे पदे उसमें पकता जाता है और रस स्वरूप ही हो जाता है, फिर दूसरी किसी चीज की सुनने की जरूरत नहीं होती। अभी हम लोग तीन चार दिन में क्या हम लोग कथा उसमें कितना कह सकते हैं, तभी जहाँ तक हो सका है हमने परिवेशन करने की चेष्टा की। अब आज का समय और कल का समय है, कल तो कम ही समय मिलेगा, तो भी हम लोग चेष्टा करेंगे। भागवत सुनने में बहुत से लोगों को ये शंका होती है, आप लोग राधा और गोपियों की इतनी महिमा बतलाते हैं और राधा जी का नाम तो श्रीमद् भागवत में है ही नहीं, तो फिर आप लोग कहाँ से इतना लाते हैं। भाई जैसे हमारा शरीर है कृष्ण का, राम का भी तो शरीर ऐसा ही था, अंतर क्या था, हमें भी आसक्तियाँ थी, उनमें भी आसक्तियाँ थी, उनमें भी हमारी जैसे ही बचपन में जैसे हम चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, उनमें भी वैसा ही देखते हैं, वो भी लड़ते थे, झगड़ते थे, कंस इत्यादि के साथ में लड़े, रामचंद्र जी रावण के साथ में लड़े, और देखो तो उनको ये पता ही नहीं चला जे सीता का हरण करके कौन ले गया, बिलबिलाते रहे राम, और कृष्ण गोपियों के लिए दिन रात तड़फते रहे विरह में, देखो तो फिर उनकी भगवत्ता कहाँ से है। कृष्ण को बहलिए ने बाण मारा, आप लोगों ने सुना होगा अंतम में, और बाण लगा कृष्ण को और वो मर गए, तो फिर उनकी भगवत्ता क्या है। जो आदमी जन्म सकता है, जन्म लिया वो मरा और तरह तरह की समस्याएं हमारे जैसे ही उनके अंदर में लगी रही, समस्या जैसे हम में है, हमसे अधिक समस्या राम में थी ना? हमको तो 12 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं हुआ, उनको तो वनवास हुआ और स्त्री भी कोई चुरा ले गया, फिर अपनी स्त्री को छोड़ देना पड़ा, फिर कितनी कितनी समस्याएं हुई उनके लिए, हम लोगों के लिए तो इतना समस्या नहीं। तो फिर ये तो लोगों का चित्त शंका में, शंका पंक में डूबने लग जाता है, समझ नहीं पाते, मैं तो कि हम और वो तो एक ही जैसे थे,
सतयुग और कलयुग का तो एक ही है, ये समझ नहीं पाते हम, थोड़ा सा इसके लिए समय चाहिए। तो संक्षेप में आपको बतला देता हूँ, पहले हम कृष्ण का अंतर्ध्यान की ही बातें थोड़ी सी ले लें। जदुवंशी जितने थे वो सरकंडे से परस्पर लड़ लड़ करके कट करके मरे, और कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, और बहेलिए ने बाण मारा उनके चरणों में लगा, और फिर वो साम धाम को पधारे। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग आज भी दिखलाते हैं, जहाँ पर कि कृष्ण का दाह संस्कार हुआ था शरीर का, वो भी स्थान दिखलाते हैं। और ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण राम निशिंक कल्कि बामन उनका जन्म भी नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है, इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? साधारण अकल के द्वारा नहीं होगा, साधारण बुद्धि से नहीं होता। एक मदारी था, वो अपने दो लड़कों के साथ में 8 और 9 वर्ष का, और अपनी स्त्री के साथ में, स्त्री नवज्योति नित्य कला में बड़ी पारंगत होशियार एक कलाकृति जानने वाली लड़की थी। एक राजा के घर में वो लोग गए, उनका दरबार लगा हुआ था, देखने में बड़े सुंदर जवान ये लोग थे। नट ने जाकर के कहा, महाराज हम अपनी विद्या कुछ आपके सामने में प्रकाश करना चाहते हैं, आप सभी दरबारी लोग हैं, कुछ मजा भी आ जाएगा, आप लोग देखिए, और यदि हो सके तो हम लोग तो नट जाति के हैं, कुछ पुरस्कार दे देंगे। यह ठीक है, बस उसने 2 बांस खड़े कर दिए और उसके ऊपर से एक रस्सा पत्ती सी लेकर के उसको दोनों तरफ में उसको बांध करके और उसको खड़ा कर दिया, और उसकी पत्नी एक बांस हाथ में लेकर और खट 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 ऊपर में चढ़ गई, और चढ़ करके दोनों बांसों पर केवल जो रस्सी पड़ी हुई है उसी के ऊपर में बैलेंस साध करके अपने सिर पर एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा लेकर और बांस को ऐसे रख करके और नृत्य कर रही है, इधर से उधर, उधर से इधर चली आ रही है। इस प्रकार से कला कौशल दिखलाया कि राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। रानी तो ऐसी प्रसन्न हुई उसकी कला को देखकर, उसी में किस प्रकार से लचक जाना, इधर उधर लचक जाना और घड़ों का बैलेंस भी ठीक रखना। जब उतरी तो रानी ने अपने गले का 9 लाख का हार, 9 लाख रुपए का हार प्रसन्न होकर के देखा, आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं, बस उसके गले में दे दिया। उसके दोनों बच्चे वहीं पर खड़े थे, एक 8 का एक 9 का, बड़े होनहार लड़के, बड़े सुंदर, बड़े फुर्तीले। उन्होंने मैये का उधर से उधर हार पकड़ लिया, इसने इधर से हार पकड़ लिया, दोनों खींचतानी करने लगे। मैया ने अपने गले से निकाल करके ऐसे छोड़ दिया बीच में, और जो बलवान हो वो खींच ले, तो दोनों जोर से खींचने लगे किंतु कोई सके नहीं। तो दोनों ने झट हार तो छोड़ दिया, और तलवार उनकी थी, बस म्यान से खींचा, उसने खींचा, उसने मारा उसे, उसने मारा, वो दोनों गिर गए, कट करके, दोनों कट करके गिर गए। अब तो हाहाकार मच गया, अरे देखो तो, रहने का जी हमने दिया खुशी के लिए, और इनके दोनों लड़के कट करके मर गए। इतने में वो नट हाहाकार करता हुआ आया, हाँ हमारे दोनों बच्चे चले गए, अब किस लिए जीवन। बस झट देखते देखते उसने तलवार उठाई और खच मारा, और वो लड़की भी, उसकी पत्नी भी, हमारे ये तीनों गए अब किस लिए संसार, बस उसने भी तलवार उठा खच मार दिया। अब तो हाहाकार हो गया, ये क्या किया इसने, बस बड़े दुखी हुए, सभा विसर्जन कर दिया, और लोगों को कहा कि भैया इसकी लाश यहाँ से हटा दो। रात भर सोचते रहे, इतने में सवेरे पत्र आया रानी के पास और राजा के पास,
महाराज आपने तो हमारी पहली स्त्री की यह नचने की विद्या नित्य विद्या को देकर के प्रसन्न होकर नौलखा हर दिया, और ये दूसरी जी जो लीला हमने दिखलाई इसका पुरस्कार हमें महीने ही मिला। हम अभी जीवित हैं, हमारा घर पास ही में है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग चारों के चारों जीवित हैं और प्रसन्न चित्त हैं, आपके उपहार के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई ये देखो तो अजीब बात, बस सवेरे लेकर के राजा अपने कुछ दरबारियों को लेकर के देखे तो बात सच है या झूठ है, गया तो देखा जे दोनों लड़के मुस्कुराते हुए हार लेकर के खड़े हैं, वही नौलखा हार, और रानी, और जब गए तो मुस्कुराते हैं, उनका अभिवादन किया और वो दोनों मुस्कुराते हैं, महाराज हमारा उपहार कहाँ है, हमारा जो हमने दिखलाई ये, हम लोग मरे नहीं थे, ये तो हमारी कलाबाजी थी। अच्छा, बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें कुछ इनाम दिया। ये झूठ बात नहीं, हमने मथुरा में देखा, बीसी राय का आप लोग नाम जानते होंगे, कलकत्ते के प्रसिद्ध पीसी सरकार, वो कलकत्ते में जब थे तो ब्रिटिश जमाना था, उन्होंने कहा जे आज हम गवर्नर हाउस में जो वहाँ पर फोर्ट में है, फोर्ट विलियम कलकत्ते में, उसमें हम आज कुछ मैस्मेरिज्म दिखलाएंगे, हाथ की सफाई दिखाएंगे। वहाँ के गवर्नर और जितने सब लोग थे, और उनके कोई दिल्ली से भी आए थे, वाइसराय या कौन था, वो सब लोग एकत्रित थे, मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर लोग सब वहाँ पर थे। उन्होंने कहा जी ठीक, 4 बजे हम आरंभ करेंगे, आध घंटा हम दिखलाएंगे। सब लोग ठीक घड़ी की नोक से देख करके 4 बजे वहाँ पर उपस्थित हुए। ये आया नहीं, 1 मिनट 2 मिनट करते करते, ये तो बड़े टाइम के पंक्चुअल विशेष करके अफसर लोग हैं, 15 मिनट हो गया नहीं आया, 20 मिनट हो गया। अब इन लोगों का क्रोध बढ़ने लगा, आएगा तो उसको हम लोग दंड देंगे, हम लोग का समय बर्बाद किया। वो ठीक आधा घंटे के बाद में पांची बाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बड़े शान से वहाँ पर पहुँचा। साथ ही साथ में वो पुलिस के कोई आईजी होंगे, ने कहा जी तो आप तुमने इतना देर क्यों किया, समय था 4 बजे और तुम आता है 4:30 बजे, बहुत गर्म हुए, अभी तुमको हम दंड देते हैं, खिलाज नहीं होगा, तो आप बेकार का क्यों बिगड़ रहे हैं, अपनी घड़ी देखिए और सभी लोग घड़ी देखे, हम 1 मिनट यदि भी आए हों देशे तो हमको दंड दीजिए। सबने घड़ी देखा जी ठीक 4 बजा हुआ है सबकी घड़ियों में, कहिए यही मेरा पहला खेला है। यदि ऐसे मैसमरिज्म के द्वारा ऐसे व्यक्ति कर सकते, हमने देखा है जी गला काट दिया, बक्से में रख दिया और दो दो तीन तीन लॉक लगा दिए, कहा रे बेटा इधर आ जा, मथुरा की बात है हमारे मठ के पास में, सबको दिखला दीजिए, गला काट करके उसमें भर दिया और रुंड वो कपड़े से लपेटा हुआ बाहर में पड़ा है, कहा जे बेटा बेटा जल्दी से आ जाओ, और आया पिताजी कहते हुए हजारों लोगों में से भीतर से हंसता मुकराता हुआ आ गया, देखा जे बक्से में कुछ नहीं। यदि एक मदारी ऐसा कर सकता है तो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाला कैसा मदारी होगा, ये समझिए, वो लड़कर करके मर जाएगा, वो कट जाएगा, उसको बाण लग जाएगा, भीष्म पिता के बाण जिसके कर्ण के बाण नहीं लगे, जमुना के हृदय में जहाँ पर विष का पानी भरा रहा था उसमें कूद गया, कुछ भी नहीं हुआ। जिसने गिरिराज गोवर्धन कितना मील ऊंचा, अभी भी 14 मील तो है ही हैं लंबाई में, अभी कितने बड़े, और उसको खेल की भांति छत्र की भांति से उठा दिया, ये मनुष्य का काम है, और वो मर जाएगा थोड़े से एक बाण से लग गया, कर्ण के बाण से नहीं मरा, भीष्म पिता के लाखों बाणों से नहीं मर सका, काली दह में नहीं मरा, जो उसने आग खा करके मरा नहीं, आग ही खा लिया, पूरा वन में आग लगी हुई थी, ऐसा किया और सब आग खा लिया। जो मिनटों में ऐसे ऐसे विश्व ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, ध्वंस कर सकता है, और उसको बाण लगने से मर जाएगा, ये बात है,
इसलिए यह बात ठीक नहीं। जाने के समय में सब अपने परिकरों के साथ में गए, जो लड़ना देख रहे हैं ना, वो वैश्मेरिज्म था आंख का। यदि वो मदारी कर सकता है तो वो कृष्ण के लिए क्या समझ। कृष्ण तो एक ही साथ में जो गोपियां लाखों नाच रही थीं उनके पास में एक एक कृष्ण वहां पर हो गए, ये कैसे संभव हो गया। मदारी भी नहीं कर सकता, मदारी का बाप भी नहीं कर सकता, और कैसे कर दिया। द्वारका में एक ही साथ किसी रानी के साथ में विवाह हो रहा है, किसी के स्तर में यज्ञ में स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, 16,100 रानियों के साथ में एक उतनी लीला कर रहे एक साथ, कैसे संभव। राम के लिए तो सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। कल तो राम के संबंध में एक छोटी सी लघु कथा हमने कही, सती जी का मोह, इसलिए उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। जाने के पहले थोड़ा सा ऐसा देखा करके उनको जाना है, और झट ऐसा दिखला करके सशरीर देखा, ब्रह्मा और शंकर जी ने देखा, भगवान सब सर परिकरों के साथ में जैसे आए थे वैसे ही चले जा रहे हैं। देवता लोग ब्रह्म इंद्र इत्यादि तो इस गति को लक्ष्य भी नहीं कर सके, नारद इत्यादि ने और अधिक रूप में देखा और हाथ जोड़ करके था, ये प्रभु कैसे जा रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझना साधारण, ये साधन भजन के द्वारा अनुभव होने वाला इस चीज है। राधा जी का नाम नहीं है, मूर्ख कह सकता है जे राधा जी का नाम भागवत में नहीं, उनके एक एक लाइन ऐसी है जिसमें सब में राधा नाम। रामायण की चौपाई में ऐसी कोई चौपाई नहीं है जिसमें कि राम शब्द अंकित नहीं है, मूर्ख लोग जो तत्वहीन है वो नहीं दिख पाते। ऐसा कोई भी चौपाई नहीं है जिसमें राम नाम नहीं है। समझाने वाला हो तो, समझने वाला हो तो देखेगा उसमें सभी। वैसे श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई शब्द ये श्लोक नहीं, मंत्र नहीं है जिसमें राधा जी का नाम और कृष्ण का नाम नहीं है। एक अभिधा वृत्ति होती है शब्द की, एक व्यंजना वृत्ति होती है, और भी तरह तरह की वृत्तियां मैं कितना कहूंगा आपसे। हमारे यहां व्यंजना वृत्ति कहीं कहीं पर, लक्षणा वृत्ति कहीं कहीं पर अभिधा से अधिक रसदार होती है। हमारी इस सभा में एक पंडित जी हैं, बाहर से आए हुए हैं, गले में दुपट्टा है, उस पर राम राम अंकित है, वो पीताम्बर सा जरा पीला रंग का है, और सब समय भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। बतला सकते हैं वो कौन है, हम लोगों के बीच में बैठे हैं, बतला सकते हैं कहाँ है। हम पाठक जी कहेंगे उसमें वो रस आनंद नहीं है, और जब इस वृत्ति से जब कहेंगे तो उसमें आनंद की धारा प्रवाहित होती है। कहां कहां पर कैसे उनका राधा जी का नाम आया है। सुखदेव गोस्वामी की आराध्या देवी हैं। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में पत्नियों को अपने पति का नाम लेना निषिद्ध है, पति का नाम नहीं लेगा, आर्य कहेंगे, प्राणनाथ कहेंगे, और बहुत से शब्द हैं उसके द्वारा। सीता जी कैसे कहती हैं राम को, सीता राम और लक्ष्मण जा रहे हैं वनगमन में, जाते जाते दोपहरी प्यास लगी, एक वट वृक्ष के नीचे एक कुएं में गांव की पानिया पनघट पर पानी भर रही। दोपहर का समय रामचंद्र जी को भी प्यास लग गई है, सीता जी को भी, लक्ष्मण जी को भी, वो पनघट देख करके वहाँ पर वो भी आए। राम और सीता और लक्ष्मण जी को देख करके गांव वाले मुग्ध हो गए, इतना सुंदर तपस्वी होते हुए, और ये महिला तो बड़ी अपूर्व सुंदरी है, ऐसी तो हमने देखा ही नहीं जीवन भर में। जब सीता जी ने ऐसे कर करके पानी पिया, राम ने भी हाथ में अंजलि में पानी लिया, जैसे कि हम लोगों के पनघटों में पानी पिला देते हैं, ऐसे पी लिया। पीने के बाद में छाया में बैठे, राम लक्ष्मण पुरुषों की मंडली में बैठे, और सीता जी महिलाओं की, महिलाओं पानी ने भरना छोड़ करके वो बैठ गई। तो वो महिलाएं कह रही हैं,
तुम्हारे पति उनको संदेह हुआ, ये किसकी, ये दो तो हैं पुरुष युवक और ये अकेली है, तो ये दोनों में से किसी के एक पत्नी जरूर होगी, किंतु पत्नी किसकी है ये ठीक नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तुम्हारे पति कौन है? तो उसने सीता जी ने जरा घूंघट का आड़ दे करके ऐसे लक्ष्मण, ये गोरे हैं ना, ये मेरे देवर हैं। अब क्या इसका अर्थ हुआ? बस इतना ही कहा, ये जो गोरे हैं ये मेरे देवर हैं, तो इसका मतलब बाकी रह गया वो मेरे पति हैं। ये तो भारतीय संस्कृति है ना। सुखदेव गोस्वामी के आराध्य देवता श्रीमती राधिका जी हैं। यदि वो राधा नाम स्पष्ट उच्चारण करते हैं तो उनकी सारी लीलाएं उनके हृदय में आती हैं। 6 महीने की समाधि लग जाती है, 7 दिन का तो समय, 6 महीने की समाधि लगेगी, हरि कथा कैसे होगी? क्या है, सन्मासी को मूर्छा भवेत, राधा नाम मात्रे न मूर्छा सन्मासी की भवेत, न चरेत मत स्पष्टम परीक्षित इति मुने। इसे परीक्षित को उन्होंने उच्चारण करके नहीं कहा, आप खुश हो, आपको स्पष्ट हो न हो, वो तो अपनी मर्यादा देखेंगे ना। जो अपने इष्ट देवी का नाम न, हमारी स्त्रियां यदि अपने पति का नाम न, हे आर्य, हे नाथ, हे प्राणनाथ, राधा जी कृष्ण को कृष्ण नहीं कहती, श्याम सुंदर कह देंगी, प्राणनाथ कहेंगी, हे रमण कह देंगी, कृष्ण कभी उच्चारण नहीं करेंगे, कपटी धूर्त चोर ये सब कह लेंगी, जो इच्छा सो कर लेंगे, बाहर भीतर काले चोर ये सब कह लेंगे, किंतु कृष्ण ये नाम उच्चारण नहीं करेंगे। उच्चारण करते हैं वो मूर्छित हो जाएंगे, नहीं कर सकते। तो सुखदेव गोस्वामी को साधारण मत समझिए, इसलिए उच्चारण नहीं करती। और किस श्लोक में नहीं है, कोई बतलाए तो जी कि इस श्लोक में नहीं है, मैं उनको बतलाऊंगा जी कैसे सब श्लोकों में है। हमारे आचार्यों ने, हमारे जीव गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, महाप्रभु जी ने, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है जी कैसे। जैसे देखिए पहला श्लोक लेते हैं, जन्मादस्य जतः अन्वयादितरतस्य अर्थो अभिज्ञो सराट तेने ब्रह्म हृदयाजाद कवये मुह्यंत जत सूर्य तेजो बार मृदांग जत विनमयो तिसर्गा अमृषा धामना स्वेन निरस्त कुतुकहम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक। अब पहले श्लोक में है जन्मादस्य जतः, जिससे अस्य विश्वस्य, इस विश्व का, जिसको तुम देखते हो, जिसमें तुम हो, तुम्हारे सहित सबका जन्म स्थिति लय आदि जिससे संपादित होता है, जन्मादस्य जत, जत मैंने जिससे, वो परब्रह्म है। सत्यम परम धीमे, वो परम सत्य है, उसका मैं धीमे ध्यान करता हूं, वो प्रसन्न हो। अब दूसरा अर्थ देखिए, जन्मादस्य जत, जिससे जन्म आदि आदि रसस्य, आदि रसस्य माने क्या, आदि रस का जिससे जन्म हुआ है। आदि रस क्या है, मधुर रस को आदि रस कहते हैं। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो औपपात्य भाव मूलक जो उन्नत उज्ज्वल रस है, इसको आदि रस कहते हैं। उसी से जितने भी 12 रस हैं, उस आदि रस से श्रृंगार रस से उत्पन्न होते हैं, उसी के अंतर्गत है। उसी के अंदर में शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर हर्ष करुण अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक विभत्स इत्यादि सब उसी में समा, जहां पर वो रहेगा उसमें सब है। ये जो आदि रस है जिनसे निकलता है वो कृष्ण देवस्य सत्यम परम धीमहि। किंतु यह बात भी कुछ गड़बड़ी है, पूरी नहीं हुई। रस अकेले निष्पादित नहीं होता, उसके लिए नायक और नायिका दोनों का होना उचित है, प्रियतम और प्रियतमा का, किशोर और किशोरी का होना दोनों का जरूरी है, इसलिए शक्ति और शक्तिमान दोनों चाहिए।
शक्तिमान स्वयं कृष्ण है, अनंत शक्तियों की मूल। और समस्त शक्तियों की मूल कौन है? आद्या देवी पराशक्ति श्रीमती राधिका जी हैं। यद्यपि दोनों में भेद नहीं है, किंतु जगत को आनंद के रस में डुबाने के लिए और स्वयं आनंद में रस स्वरूप होने के कारण दो भागों में वो प्रत्यक्षी भूत होते हैं, साधकों के हृदय में, सब जगह नहीं। इन दोनों के बिना आदि रस जो श्रृंगार रस है वो नहीं हो, मधुर रस हो नहीं सकता। इसलिए इस मधुर रस के लिए दो, एक नायक नायिका, सर्व नायिका शिरोमणि कृष्ण और सर्व नायिका शिरोमणि श्रीमती राधिका के द्वारा जिस आदि रस का प्राकट्य होता है वो कौन है? भर्गः देवस्य धीमहि, हमारे गायत्री में, और इसी में तेजो बारी मृदाम। तेज माने क्या? भर्गः तेज, ये गायत्री का ये अर्थ ये श्लोक है। इसीलिए जैसे गायत्री में हम भर्गो देवस्य धीमहि, देव को नहीं धीमहि, भर्गो देवस्य, देवस्य भर्गः धीमहि, देव जो हैं कृष्ण उनकी जो शक्ति हैं उनको मैं धीमहि ध्यान करता हूँ। यहाँ पर भी तेज कृष्ण की तेज हैं उनका, यहाँ पर सत्यमोही परम सत्य हैं, उन्हीं से मधुर रस निकलता है। वो न रहे तो अकेले कृष्ण जीरो जीरो हैं, निर्विशेष तत्व हैं, निराकार हैं। सीता जी न रहे तो राम निराकार हैं, निरंजन हैं, अगुण हैं या निर्गुण हैं, सीता जी के वजह से वो हैं। उसी प्रकार से ये कृष्ण जो शक्तिमान हैं, जो इतने गुणों के हैं, ये सब राधा जी के लिए हैं। राधा जी को उसमें से शक्तिमान से शक्ति को हटा दीजिए, जीरो हो जाएगा कृष्ण, निर्विशेष ये ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमहि राधिका जी के लिए आया है, जिनके द्वारा मधुर रस निष्पादित होता है ये उसे निकलता है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि ने इसका वर्णन किया है? जिसमें बतलाया इसी के श्लोक में जन्मादस्य जतः अन्वयादि तरतस्य तेजो, नहीं इसके पहले तुम लोग मत बोलो, जन्मादर्श जत अन्वय आदि तरतस्य अभिज्ञोषा तेने ब्रह्म हृदय आद कवि मुह्यंत जत सूरज। सूरज माने होता है यहाँ पर मुक्त महापुरुष लोग, ये लोग भी जिसमें मोहित हो जाते हैं, कौन? ब्रह्मा शंकर जी मोहित हो जाते हैं इस विषय में, उनकी शक्ति की धारणा नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में प्रकाश किया, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में, और क्या, तेने ब्रह्म शब्द ब्रह्म को, भागवत को तेने प्रकाशित किया, किस में? सुखदेव मुनि के हृदय में रस विचार वहां पर दिया है, राधिका जी को प्रकाश किया, तेने ब्रह्म हृदय हृदय जमुयंत सूर्यो तेजो बाहर मृदाम। ऐसे जो सत्यम परम धीमहि श्रीमती राधिका हैं, पहले श्लोक में राधिका जी को प्रणाम किया, भावना के अनुसार में किसी को कृष्ण के लिए ले लेते हैं, कोई पर ब्रह्म कृष्ण के लिए लेते हैं, कोई राधिका जी को, जो रसिक भक्त हैं इसको लेते हैं। ये तो पहले श्लोक में, और तीसरे चौथे अध्याय में स्कंद में अराधसा रंशते स्वयं नमः। अराधसा, अराधसा ये कौन? राधिका माने सह तृतीया विभक्ति, अराधा सह जो रंशते स्वधामनी, अपने धाम में, नित्य धाम में जो सब समय रमण करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं और समस्त जीवों पर आनंद की वर्षा करते हैं, राधिका जी के राधसा राधा सह अने आराधितो न्यूनं। सुखदेव गोस्वामी जी आनंद में भर करके जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए रासलीला स्थली से, सब खोजने लगी, विरह में तड़फने लगी। कृष्ण राधा जी के साथ में गए थे, लिखा तो नहीं स्पष्ट रूप से, किंतु उसके वर्णन से ऐसा लगता है, गोपियों ने देखा, अरे ये तो कृष्ण के ये चरण कमल हैं,
किंतु उनके पास में सुकोमल उनसे छोटे छोटे बड़े अच्छे मृदुल ये पैर किसके हैं? बीच बीच में कृष्ण के एक उस लड़की के जैसे मालूम होता है, ये लड़की का चिन्ह है, किसी गोपी का है। देख करके सभी आश्चर्य, ओ तो अकेले नहीं गया, ये तो चरण चिन्हों के बीच में इसका चरण चिन्ह है पास से। अच्छा, ओ अनाज तो न्यूनम, कुछ कुछ सखियां नहीं समझ सकें जय, किंतु राधा जी के पक्ष वाली जो उनकी ललिता विशाखा इत्यादि थी, उन्होंने सारी ये तो अनया राधितो राधितो राधा से राधितो, जिसके द्वारा इनकी सबसे में आराधना अधिक होती है। आराधना माने क्या? राध शब्द से ये हुआ अपराध, राध आराधना आराध्य ना? ये शब्द सब ये बड़े मार्मिक, बिना ये इसकी व्युत्पत्तिगत अर्थ के हम लोग समझ नहीं सकते, साधारण लोगों के लिए समझना बड़ा भारी कठिन है। राधा जी की जो क्रिया है उसी क्रिया का नाम है आराधना, राधा जी करती हैं। आराधना शब्द से राधा जी नहीं है, ऐसा मत समझिए जैसे शब्दों के अर्थ से उनको पीछे से दिया गया, ये रूढ़ शब्द हैं। राधा नाम से, राधा जो करती हैं उसकी नाम है यार, क्या करती हैं? कृष्ण की सब प्रकार से सेवा करती हैं, उनके मन के अनुसार में चलती हैं, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए उनका नाम है राधा। राधा शब्द से ये आराधना शब्द नहीं, उनकी क्रियाएं जो हैं वो आराधना। तो यहाँ कहते हैं आराधितो नूनंग हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जाम अन्यत रहा। ओ ये जो गोपी है संपूर्ण रूप से नारायण की आराधना की है। तो मैं राज शब्द का तात्पर्य बतला रहा था, राज माने क्या? प्रेम की पराकाष्ठा का नाम है राज शब्द से होता है। हृदय में जिस भावना से कृष्ण की आराधना होती है प्रेम से, वो राज शब्द का तात्पर्य है। अपराध अपगत होया छे, अपगत हुआ है, निकल गया है राध जिससे, वो अपराध। अर्थात तो जो हमारे आराध्य देव हैं उनको प्रसन्न करने की जो भावना है वो नष्ट हो जाती है जिस क्रिया से, उसका नाम है अपराध। फिर से समझिए, अपराध किसको कहते हैं? हमारे आराध्य अभी गुरु और भगवान हैं, ऐसी क्रिया हम यदि करते हैं जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर में जो आई है थोड़ी बहुत, जिस क्रिया से वृद्ध क्रिया से वह राध कृष्ण की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, प्रसन्न करने की प्रवृत्ति है, वो नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं अपराध। आ रहा है समझ में? हम कृष्ण की सेवा भजन करना चाहते हैं किंतु हमने क्या किया, कृष्ण की निंदा करने लगे, वैष्णवों की निंदा करने लगे, गुरु की निंदा करने लगे, तो ये कृष्ण की सेवा करने की जो प्रवृत्ति थी वो ध्वंस हो जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं अपराध। इसलिए आराध्य, आराध्य किसको कहते हैं? जो हमारे प्रेम के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एम हैं, वो आराध्य हैं। आराधक कौन है? जो आराधना करता है। और आराधना किसको कहते हैं? आराधक का आराध्य के प्रति जो भावना मिश्रित, जो सेवामयी भावना है, इसको कहते हैं आराधना। भक्त भगवान और भक्ति का भी यही तात्पर्य है। यदि भगवान के प्रति आपकी वृत्ति लगती है, उनकी सेवा करते हैं, तो ये तो भक्ति होगी। इसलिए शिव के प्रति, शंकर जी के प्रति जो आप करेंगे, यदि शंकर जी को मान लिया जाए, कौन? विष्णु, सदा शिव विष्णु मान लिया जाए, तब तो उनकी सेवा को भक्ति कहेंगे। उस समय भगवान से अभिन्न है, विष्णु तत्व है, किंतु जब जीव तत्व की कोटि में आएंगे तब उनकी भक्ति को भक्ति नहीं करेंगे ना?
अपने पिता की भक्ति करते हैं, ये शब्द तो चालू है। हम अपने पिता की भक्ति करते हैं, पिता तुम्हारे भगवान है कि नहीं देखो तो, यदि भगवान है तब तो भक्ति होगी और तुम भक्त हो गए, और यदि नहीं तो नहीं। इन सब चीजों को समझते नहीं। आज जवाहरलाल की जयंती, गांधी जयंती, ऐसे नहीं होता है। रोहिणी नक्षत्र हो, भादों का महीना हो, उसमें शुक्रवार या शुक्रवार हो और उसके साथ में अष्टमी तिथि लगी हुई हो और वो कृष्ण का जन्म हो तब तो वो जयंती होगी, नहीं तो कृष्ण के जन्म को भी जयंती नहीं कहते। कभी कभी जयंती जगाता है, बहुत कम जयंती। आजकल तो जवाहरलाल की जयंती, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती, क्या क्या जयंती सब हो रही, समझते नहीं, आरोप करते हैं। इसलिए भक्ति भी दूसरों देवताओं पर कर करके भक्ति करते हैं। इसलिए ये सब चीजों को जानना जरूरी है। इसे श्रीमद् भागवत का ऐसा कोई श्लोक नहीं बतलाया, काश्चित काश्चित माने कोई एक गोपी, उद्धव जी गए हैं वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन, किस लिए गए, किस लिए गए, मथुरा में गोपियां जैसे वृंदावन में तड़फ रही हैं कृष्ण के लिए, अपने आराध्य के लिए, ऐसे कृष्ण भी अपने आराध्य राधिका और गोपियों के लिए, भक्तों के लिए तड़प रहे हैं, अपने भक्तों के लिए तड़पते हैं, विरह में परस्पर वो होता है। गोपियां अपने विरह को, लाखों गोपियां एक दूसरे पर प्रकट करके अपने विरह को कम कर देती हैं। नदी में खूब जोर से बाढ़ आई, नदी क्या करती है, अपने दोनों किनारों पर पानी को फेंक देती हैं और ऊंचा उठ नहीं जाती, जहां तक हो सकता है पानी को इधर उधर में फेंक करके और चलती हैं, उनका दुख कम हो जाता है। ऐसे गोपियां अपने इस महान दुख को, विपरलंब भाव को अपने आप बांट लेती हैं, कहती हैं वो उनसे उनसे उनका दुख कुछ कम हो जाता है। कृष्ण का जो विरह है मथुरा में, किस से कहें, कोई सुनने वाला है, कोई सुनने वाला उस वैसा प्रेमी नहीं किसको जो सुने, लोग कहेंगे तो वो हंसेंगे। जैसे गोपियों की प्रेम की बात हम कहेंगे तो साधारण जो कि भगवान के लीला कथाओं में विश्वास नहीं करते हैं वो हंसेंगे, अरे देखो तो ये तो नायक नायिका की, हमारी भी अपनी स्त्री से ऐसा प्रेम कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात, ये तो कामी पुरुषों का काम है, ये कोई थोड़ी अच्छी बात है। हाँ, चक्षुषु दर्शन लिया, महाभारत के युद्ध में युद्ध किया और बड़े बड़े असुरों को, कंस इत्यादि को पछाड़ दिया। महाभारत के कृष्ण जो हैं वो हाँ ठीक है, वो हमारे आराध्य हैं। ये कृष्ण तो चोर, झूठा, लबार, ये क्या आराध्य होगा। तो इसलिए हाँ ये समझ नहीं पाते, कृष्ण अपने दुख को बांट नहीं पा रहे, बड़े दुखे ही किससे कहूं। देखा जो उद्धव कुछ संसार से निवृत्त है, परम वैराग्यवान, भगवत तत्व को जानने वाला है। भगवत तत्व का विचार दो प्रकार से होता है, एक भगवान का ऐश्वर्य भाव, हम लोग जो नहीं कर सकते वो क्षण मात्र में कर लेंगे, ये ऐश्वर्य है, उनके समान कोई वीरवान नहीं, उनके समान ऐश्वर्यशाली नहीं है, उनके समान कोई गुणी नहीं है, क्षण मात्र में जो चाहे कर दें मनुष्य के लिए संभव पर नहीं है, ये ऐश्वर्य का विचार। जैसे नारायण तत्व, नारद जी भी आएंगे उनके चरणों में झुक जाएंगे, नारायण का कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, सभी उनके सामने झुकने के लिए बाध्य हैं, किंतु राम है, राम दशरथ के यहाँ भी बाध्य हैं, उनके माता पिता हैं, वो अपने माता पिता, वशिष्ठ जी जाएंगे उनके चरणों में झुक जाएंगे, विश्वामित्री जी आएंगे क्या करेंगे, और जनक जी और सुनैना जी आएंगी और कौशल्या मैया तो क्या करेंगे, ये जितने भी ब्राह्मण आएंगे सब ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आया योग्य है उसको प्रणाम करेंगे, नारायण करेंगे, वो अपने आसन से हिलेंगे नहीं, बस ऐसे कर देंगे, मंगलम भवतु कल्याणम भवतु, बस। नारद जी आए, कोई आए, उनका कोई माता पिता ही नहीं है, ये ऐश्वर्य भाव है।
किंतु भक्त लिए इससे संतुष्ट अधिक नहीं होते। भगवान को अपना बना करके आलिंगन पार्श में बद्ध करना चाहते हैं, उनसे प्रेम की दो बातें करना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ माधुर्य। माधुर्य में ऐश्वर्य क्रोड़ीभूत होता है। क्रोड़ीभूत माने क्या? क्रोड़ीभूत माने उसी में सब समय रहता है। माधुर्य इतना व्यापक है, पहले ऐश्वर्य माधुर्य समझिए। चाहे ऐश्वर्य हो चाहे न हो, नर लीला के अनुरूप उनकी जो लीलाएं चल रही हैं, ये माधुर्य लीला है। और जब कोई भी ऐसा नहीं कर सके नर लीला के अतिक्रम करके, उसे बढ़ करके मनुष्य कोई ऐसा कोई काम ही नहीं कर सकता है, ऐसी जो भगवान की लीला है वो ऐश्वर्यमयी लीला। नारायण ऐश्वर्यमय है, कृष्ण ऐश्वर्य तो उनमें है ही है, माधुर्य के द्वारा ये सब आच्छादित है। इसलिए कृष्ण मथुरा में ऐसा कोई नहीं मधुर रस का भक्त है जिसे कह सकें, केवल ऐश्वर्यमय भगवान के भक्त लोग हैं। उनको देवकी नंदन और क्या वासुदेव नंदन, वासुदेव कृष्ण, इसीलिए गीत भागवत में के पहले में नमो ओं भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र के द्वारा उनकी आराधना की गई। ध्रुव इत्यादि ने उनके इसके किए, मधुर जलीला में प्रवेश। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये यहाँ किसे कहूँ, उद्धव तो कुछ योग्य है, यदि इनको गोपियों की पाठशाला में भेज दें और कुछ दिन प्रेम अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, इसलिए उसको वहाँ पर भेजूँ गोपियों के पाठशाला में, जो हमारी भी गुरु और प्रिंसिपल रही हैं, उस पाठशाला में भेज दूँ जहाँ पर मैंने प्रेम का पाठ सीखा, उस प्रेम की पाठशाला में इनको भी भेज दूँ, तो उनकी कृपा से कुछ प्रेम का पाठ पढ़ करके आएगा तो इससे खोल करके हम कुछ बातचीत कर सकेंगे। इसलिए उद्धव जी को भेजा गया। उद्धव जी भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ब्रज में पधारे। जरा एक कीर्तन कर दो तो कुछ जा राधा रमन अथवा जा जो तुम्हारे भाल है। अच्छा ये करो तो हमारे बाल तो हैं, हमारे बाल तो नहीं वो करेगा, या तेरा पति तेरा वो कौन छोटी सी किशोर ताला छोड़ तो तब मेरे पार्ट। कन्हैया तेरे से आ जाओ हमारी बाल टोली, बोलो सभी कन्हैया तुम्हारा तुम्हारा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
तो उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी मथुरा के रहने वाले हैं, मथुरा की दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं। उनके आराध्य कौन हैं? वसुदेव के लड़के, वसुदेव नंदन। ऐश्वर्य भूमि मथुरा है, वहाँ पर प्रकट हेतु होती है। कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके जन्म लिया और फिर द्विभुज बन गए, इसलिए ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों वहाँ पर प्रकाशित। किंतु ये समझ रही है, संक्षेप में ये बतलाता हूँ, बैकुंठ में जितना ऐश्वर्य है उससे लाखों कोटि ऐश्वर्य गोलोक में है, और गोलोक में तीन लोक है, कृष्ण लोक। एक है द्वारका, मथुरा और ब्रज। ब्रज को गोकुल, वृंदावन भी कहते हैं, या गोकुल ब्रज भी कहते हैं। इन तीनों में मथुरा में गोलोक में जो द्वारकापुरी स्थित है, यहाँ पर ऐश्वर्य अधिक और उससे कम ऐश्वर्य मथुरा में, और उससे कम ऐश्वर्य वृंदावन में। अब उधर से चलिए, वृंदावन में ब्रज में अधिक माधुर्य, उससे कम माधुर्य मथुरापुरी में, और उससे कम द्वारका में। क्रम से जब एक दृष्टि से चलेंगे तो नीचे से ऊपर और ऊपर से फिर नीचे। मैंने पहले बतलाया कृष्ण या भगवान की वो लीलाएं जो कि साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, जब उनका प्रकाश करते हैं तो उनको ऐश्वर्यमयी लीला कहते हैं। नारायण का इस जगत में लीला प्रकाश ही नहीं है, वो अवतरण नहीं करते। किंतु गोलोक बिहारी जो हैं, अवधेश जो हैं, अवध बिहारी जो हैं, ये बैकुंठ का ही एक प्रदेश है, उससे कुछ उत्तम ऊंची वाली ये लोग उतरते हैं इस जगत में, अपने लीलाओं का अवतरण कराते हैं। तो इस जगत में जब उतरते हैं राम भी, राम और कृष्ण ये सभी विष्णु नारायण सब तत्वतः एक हैं। जैसे एक चंद्र की बहुत सी कलाएं होती हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, पूर्णिमा, ये अलग अलग नहीं हैं। हम एंगल ऑफ विजन से इस पृथ्वी से देखते हैं, यदि एक स्थिति वहाँ पर चले जाएं जहाँ पर पृथ्वी की छाया चंद्र पर नहीं पड़ती है, पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होती है, तो सब समय पूर्णिमा देखेंगे चंद्र में। तो यहाँ से हम एक ऐसे एंगल विजन से देखते हैं जहाँ सब पृथ्वी से चंद्र पर छाया पृथ्वी की लगती है, सूर्य की पूरी रोशनी नहीं गिर पड़ती है, इसलिए ये कलाएँ। किंतु चंद्र एक ही है, उसी प्रकार से भगवान एक ही हैं। उपासना के प्रतिबिंब से, उपासना के दृष्टिकोण से एक ही प्रभु इतने रूपों में दिखते हैं, भगवान में वो भेद नहीं है। किंतु उपासकों के उपासना के तारतम्य से, आराधना के तारतम्य से वो दीख पड़ते हैं, ऐसे वो कलाओं के रूप में समझिए। यदि पूर्ण जैसे चंद्रमा का पूर्ण है प्रकाश, वैसे ही भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश भगवान में होता है। इसको पूर्ण मान लिया गया, किसको? रामचंद्र जी को भी 12 कलाओं में पूर्ण माना गया। सूर्य में कितनी कलाएं होती हैं? 12 कलाएं, इसलिए 12 कलाओं में सूर्य भी पूर्ण है। और चंद्र में होती हैं 15 कलाएं या 16 कलाएं, 16 कला में वो पूर्ण है, इसलिए दोनों पूर्ण हैं। किंतु पूर्ण होने पर भी कुछ पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतर्म का विचार होता है भगवत तत्व में, रस की दृष्टि से, शक्ति के प्रकाश की दृष्टि से। इसलिए श्रीमद्भागवत में उन्होंने घोषणा की, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें 12 रस हैं,
कृष्ण में प्रकाशित हुए। रस तो सभी में है, राम में भी वही है, कृष्ण में भी वही है, नारायण में भी वही है, किंतु कृष्ण में जिस प्रकार से द्वादश रस परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होते हैं और जगह परिलक्षित नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ विजन वहां पर है, कुछ छाया सी है। अब देखिए, नारायण को कोई चाहे जे हमारे बेटे हो जाएं, बेटे हों, ये संपन्न उनका माता पिता नहीं, ऐसी ऐश्वर्य भूमि है, उपासना की एक वो है, दृष्टि है। कोई नारायण को चाहे जे गले से लगा लें, भाई असंभव है, उनके चरणों को ही दूर से प्रणाम कर, लक्ष्मी जी उनके चरणों को पलट सकती हैं, दूसरा कोई नारद भी चाहे बस स्तव स्तुति करेंगे दूर से। अब इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, हनुमान जी को लीजिए। हनुमान जी क्या करते हैं, शंकर जी ही हनुमान बने हैं, दूसरे नहीं हैं। वो राम के पैरों को पलट सकते हैं, अपने कंधे पर चढ़ा सकते हैं, उनकी और विविध प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, जो वैकुंठ में नारायण की नहीं होती। इसमें कुछ अपनत्व भाव लेकर के रामचंद्र जी ने माता पिता भी स्वीकार किया, दशरथ कौशल्या इत्यादि की विविध प्रकार की लीलाएं की। नारायण की कौन सी लीला अधिक से अधिक देख सकते हैं कि गजग्रह का युद्ध में, वो भी स्वयं नारायण नहीं, उनका प्रकाश आया। अब हनुमान जी चाहे राम को जहां पर सीता जी के साथ में एकांत में बैठ रहे हैं और उनके पलंग पर बैठ जाएं, ये कर सकते हैं, अपना जूठा राम को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते, संभव नहीं। कृष्ण हनुमान जी कहेंगे जरा आप घोड़े बन जाइए, मैं आपके ऊपर में चढ़ जाऊं, कहेंगे? यह संभव उनके लिए नहीं, उनके आराध्य देव है ना। अब थोड़ा सा ब्रज में आइए, श्रीदाम सुबल इत्यादि सखा हैं, पलंग पर बैठे हुए हैं कृष्ण, और धत्तेरी की कह करके और उछल करके कूद करके, अरे अभी सो रहा है कन्हैया, रगड़ देंगे उसे ना? और उसे उठा देंगे, पकड़ लेंगे, और लड्डू मिलाए उसको खा रहे हैं और कृष्ण के मुख में ठूस देंगे, हनुमान के द्वारा संभव नहीं है। राम के कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो ऐसा कर सके, अपना जूठा खिलाए। शबरी पे भी ने खिलाया, वो जूठा बेर नहीं, उस पेड़ की चख करके उस पेड़ से रख करके रखती थी अच्छे अच्छे फल, जूठा नहीं। राम के लिए संभव नहीं है ऐसा उसके अंदर में बड़ा मुश्किल। सीता जी भी अपना जूठा राम को नहीं दे सकती, और इधर उनके सखा लोग कैसे हैं, जसोदा जी क्या करेंगे, नंद बाबा वो तो बैठा करके खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। रामचंद्र जी भी दशरथ की गोदी में बैठे हुए हैं, अपने भी कभी कभी खाते हैं और उनको कभी कभी दे देते हैं, उन दोनों को, ये तो वहां पर तो संभव है कुछ। और यहाँ श्रीदाम सुबल इत्यादि खा रहे हैं, अरे क्या गाली, अरे सारे क्या कर रहा, काने क्या क्या उनका नाम पुकारेंगे, और कहेंगे अब तू हमको घोड़ा बनाया, अब तू घोड़ा बन और हम चढ़ेंगे, हमने हरा दिया तुमको, कृष्ण को पराजित कर दिया, पहले तो कृष्ण ने हरा दिया, तो वो उनको उनके कंधे पर चढ़ करके दुल्की चलाने लगे, तो वो चल करके गए। अब जब श्रीदाम ने हरा दिया कृष्ण को, तो कृष्ण हार गए, अब कहा जाए तुम चलो, उनके कंधे पर चढ़ करके घोड़ा जैसे चलाते हैं, ये हनुमान जी के लिए, भरत जी के लिए, लक्ष्मण के लिए, विभीषण के लिए संभव नहीं है। और आगे बढ़िए, यशोदा जी ने जिस प्रकार से अपने प्रेम से कृष्ण को बांध दिया, ओखल में बांध दिया, कृष्ण रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, काली और गंगा दोनों नदियां बह रही हैं जमुना, और शिशक शिशक करके रो रहे हैं, काला और उसके ऊपर में काला काजल का और भी रंग बढ़ गया, एक तो करेला अपने ही तिथि नीम के ऊपर में चढ़ गई और तिथि हो गई, कड़ी हो गई, ऐसे कृष्ण रो रहे हैं, कहां भगवत्ता गई, आज तक किसी भी रूप में नहीं बंधे, प्रेम के जरा बंधे तो ये कृष्ण प्रेम के रूप में। और क्या आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, गोपियों ने कहा जी हमारा नित्य में नुपुर छिटक गया है, कृष्ण क्या कर रहे हैं,
दौड़ करके ला करके बांध रहे हैं। कभी किसी भागवत का अतिरिक्त नहीं कहीं कहा गया। ये प्रेम किस लिए? कृष्ण रस स्वरूप है। नित्य में गोपियां थक गई, पसीने के बूंदे आ गए, तो क्या कर रहे हैं? कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म होकर के अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौक्षाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आज गोपियों के ये पसीने को अपने उत्तरीय से पूछ रहे हैं। थक गई राधा जी, थक जाने के बाद कृष्ण का अवलंबन कर लेती हैं, उन पर रख करके और थोड़ा सा कमर पर हाथ रख करके विश्राम करती हैं उस पर ब्रह्म को। यह कभी संभव है? यह है मधुर लीला है कृष्ण। साधारण लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए व्यास जी समस्त शास्त्रों का निर्माण करके प्रसन्न नहीं थे। ये सब लीलाओं को जो पर ब्रह्म ऐसा भी है ये प्रेम के लिए रोता है, प्रेम के लिए तड़पता है, वह रस स्वरूप है। रसो वैसा ये वेद और वेदांत का ये यहाँ पर श्रीमद् भागवत में बतला। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत दौसंजुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। ये सब विचार इन्होंने देखा जी उद्धव तो ये सब कुछ जानता नहीं, ये सब पढ़ाने के लिए प्रेम का पाठ गोपियों के पास में भेजो। उद्धव कहा जी मेरे माता पिता बड़े दुखी हैं, विलाप में विरह में तड़प तड़प करके मर रहे हैं। या गच्छ उद्धव सम्य प्रतिमा आवह पितृणो प्रतिमा आवह गच्छ उद्धव ब्रज। हे सौम्य हे उद्धव, तुम मेरे प्यारे सखा हो, तुम हमारे अभिन्न हृदय हो। लक्ष्मी और बलदेव से भी हमारे बड़े प्यारे हो, हमारे हृदय से भी अधिक प्यारे हो, ऐसा कोई हमारा भक्त नहीं। ऊपर से उनको कह रहे हैं जाओ ब्रज में, हमारे माता पिता विरह में तड़प रहे हैं। और गोपियां, गोपियां कैसी मदगत चित्त प्राणा, गोपियां क्या है? मन मना भव का ये मूर्ति हैं, दिन रात हमारी चिंता करके बस इसीलिए जीवित हैं। कल कृष्ण आएंगे, परसों आएंगे, क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है इसलिए आएंगे। उनको सांत्वना देना, वो ऐसे सांत्वना नहीं होगा मैं जो संदेश दे रहा हूं मत संदेश ही विमोचया, उनका यह जो विरह है मेरे संदेश मैं जो कह रहा हूं यही ठीक ठीक कहना, अपनी बात कुछ मत लगाना। बस उन्होंने संदेश दिया, बहुत विस्तृत है, मैं तो संक्षेप में थोड़ा सा ये बतलाने जाता हूं। एक काश्चित शब्द लगा है, काश्चित गोपी, कोई गोपी, उसका अर्थ ये सुखदेव गोस्वामी जी ने, महाभागवतों ने, वल्लभाचार्य हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने उसका अर्थ लिया काश्चित। कृष्ण के भी चित्त को मनोमुग्ध कर देने वाली, जिसके निरंतर उसके चिंतन में ध्यान में रहते हैं, का मने ये होता है कृष्ण की शक्ति पराशक्ति, वो है राधा जी। इस काश्चित शब्द का यही अर्थ है, इसी को हम बतला रहे हैं। अभी तो 8:40 हो गया, अब कल इसके संबंध में थोड़ा सा हम विस्तृत करेंगे, फिर कभी भगवान हमको बुलाएंगे, आप लोग यदि इच्छा आप लोगों की होगी तो कुछ विस्तृत रूप में इस सब चीज का आस्वादन मैं कराऊंगा। यही भागवत का मूल चीज है, हमारा जीवन का उद्देश्य यही है, यह प्रेम, प्रेम ही हमारा धर्म है, यही हमारा प्रयोजन है। यदि इसका एक छींटा फीटा भी मिल जाए हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गौर प्रेमानंदे, कल 10:30 का प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम भाई आप लोग बतला दीजिए, कल का क्या प्रोग्राम है, कहाँ गया है विष्णु? कोई है नहीं, कहाँ गए? चलो तो कीर्तन कर लो, आरती के बाद में सब। यमुना महारानी जो
भोजन नायक ध्यान धरि वैकुंठ मिले दिन को रज धारी जार वेद बखान करे यह संत मुनि सुनि मन ध्यानी यमुना यम दूतन है अब भारत है श्री राधि करानी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
नंदन गौर हरि की जय। श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन करी भक्तों वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप लोग एक मिनट ध्यान से ये सोचना सुन लीजिए। हरे कृष्णा। कल की भागवत कथा 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी। उसके बाद पारण होगा और भागवत की पूजा होगी। आप लोग अपनी तरफ से जो भी फूल पुष्प या जो भी भेंट चढ़ाना चाहें उस समय पूजा होगी। कुछ लोग महाराज जी से हरिनाम दीक्षा लेना चाहते थे, वो लोग पूछ रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। और इस प्रोग्राम की व्यवस्था के लिए यदि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी मुझसे या रामचंद्र प्रभु से या कृष्ण प्रभु से कांटेक्ट कर लें। हरे कृष्ण।